नमस्कार, मैं बॉबी छाया, मैंने एस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत। आइए देखते हैं आज की खास खबर। लोकसभा चुनाव में हार जाने पर अब हम राजकीय संन्यास लेंगे, ऐसा साधारण तौर पर किए जाने पर नाना पटोले इन्होंने कहा है। चुनाव प्रचार के चलते उन्होंने साधारण तौर पर अब ये कहा और नितिन गडकरी ने भी बहुत बार ऐसा कहा है। नाना पटोले ने कहा, चुनाव की हार को भी मैंने स्वीकार किया। और नाना पटोले ने ये तक कहा कि लोकसभा चुनाव में अगर मैं हार जाता हूँ तो इस्तीफा दे दूंगा। ऐसा नाना पटोले ने चुनाव में प्रचार के दौरान कहा था। हाल ही में नागपुर चुनाव क्षेत्र में इनको हार का सामना करना पड़ा। इसके चलते नितिन गडकरी ने नाना पटोले को अपने शब्दों पर टिके रहने को कहा है, पर ये शब्द मैंने साधारण तौर पर कह दिया, ऐसा नाना पटोले का कहना है। पीएम नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, इन्होंने भी चुनाव प्रचार के दौरान विभिन्न प्रकार की घोषणा की थी। इसी प्रकार इस्तीफे की बात भी ऐसे ही कहा, ऐसा कहना नाना पटोले का है। तो देखते रहिए MNS News Live। धन्यवाद।